विल्सन डिजीज इज ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ड्यू टू द ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ यस ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ यानी कि एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं विल्सन डिजीज विल्सन डिजीज क्या है एक ऑटोसोमल रिस मेटाबोलिक डिसऑर्डर है ठीक है जिसमें कौन से क्रोमोसोम का म्यूटेशन होने से ऐसा कुछ होता है तो देखो बच्चों विल्सन डिजीज है वो पहले देखते हैं कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो कैसे है है कि कि आपको पता है कि पेरेंट्स के जीन का पैटर्न चेंज हो जाता है तो वो ही जीन किस में जाने वाले है? फिर बच्चों के अंदर जाने वाले हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते रहेंगे ट्रांसफर होते रहेंगे मदर फादर्स के जीन अफेक्टेड है बेबी के जीन भी अफेक्टेड ही मिलेंगे आपको ऐसी डिजीज को बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव बट ये क्या होती है हर जनरेशन में जरूरी नहीं है कि मिले ही हर जनरेशन में जरूरी नहीं है कि जैसे पेरेंट्स सफर है पेरेंट्स सफर हैं उनके बच्चे सफर नहीं होते हैं लेकिन उनके बच्चे सफर हो सकते इनके बच्चों के बच्चे सफर हो सकते हैं इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं रिसेसिव और पेरेंट्स के अंदर डोमिनेंट जीन प्रभावित हो जाता है तो कन्फर्म होता है कि उनके बच्चे प्रभावित होते हैं इसको बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर समझ भी तो में आई बात तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है किसमें कौन सी डिजीज है र... विल्सन डिजीज यस देखो विल्सन डिजीज का कारण बताना है अभी क्रोमोसोम का क्रोमोसोम सेवन क्रोमोसोम सेवन क्रोमोसोम थर्टीन क्रोमोसोम एटीन क्रोमोसोम ट्वेंटी टू चार क्रोमोसोम आपके सामने पड़े हैं चारों में अलग अलग कंडीशन होती है हम सबकी बात करने वाले हैं देखो सेवंथ नंबर के जो क्रोमोसोम होते हैं उससे मोस्ट कॉमन होता है सिस्टिक सिस्टिक फाइब्रोसिस एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर कौन सी बॉडी के अंदर अब होती है एक्जोक्राइन ग्लैंड का डिसफंक्शन होता है स्टूडेंट एक्जोक्राइन ग्लैंड के डिसफंक्शन को बोला जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस सिस्टिक फाइब्रोसिस सात नंबर के क्रोमोसोम के अबनॉर्मलिटी होती है सात नंबर के क्रोमोसोम एक जीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं सी एफ टी सी आर जीन सी एफ टी सी आर जीन इसका मतलब हो गया सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसक्यूटेनियस रेगुलेटर जीन ट्रांसक्यूटेनियस रेगुलेटर जीन इसका डिफेक्ट मिलता है इसका डिफेक्ट मिलता है तो क्या होता है क्लोराइड एक्सचेंज नहीं होते मोस्टली क्या नहीं होते क्लोराइड एक्सचेंज नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते किसके कारण होता है मोस्टली सेवंथ के कारण आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ क्रोमोसोम थर्टीन क्रोमोसोम थर्टीन क्रोमोसोम थर्टीन के कारण होती है एक कंडीशन जिसको बोलते हैं पटाऊ पटाऊ सिंड्रोम उ सिंड्रोम थर्टीन नंबर के क्रोमोसोम की होती है इसके अलावा विल्सन भी इसी का कारण होता है विल्सन विल्सन डिजीज डिजीज भी क्रोमोसोम नंबर के कारण होती है स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाओ एन नंबर के क्रोमोसोम अठारह नंबर के क्रोमोसोम से एडवर्ट सिंड्रोम होता है स्टूडेंट क्या होता है एडवर्ट सिंड्रोम होता है ठीक है एडवर्ड सिंड्रोम में कॉमन कैरेक्टर होता है एक पर्सन को सिंगल अम्बलाइकल आर्टरी मिलती है वैसे दो आर्टरी होती है यहां पे सिंगल अम्लाइकल आर्टरी मिलती है किसमें एडवर्ड सिंड्रोम में ओके वेरी गुड नेक्स्ट चलो क्रोमोसोम 22 टू बाईस नंबर के क्रोमोसोम में एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं डाई जी और जी डाई जियोर जी, और जी. कंडीशन है डायजियोर्जी सिंड्रोम डायजियोर्जी सिंड्रोम किसका कारण होता है क्रोमोसोम 22 का कारण होता है क्रोमोसोम 18 का एडवर्ड होता है क्रोमोसोम 13 का पटाउड और विल्शन होता है क्रोमोसोम 7 का सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है जो 13 नंबर के क्रोमोसोम है उसके अंदर 13 और तो 13 सॉरी उसमें पटाउड और विल्सन होता है देखो विल्सन डिजीज के अंदर कंडीशन आती है मेटाबॉलिक की किसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता स्टूडेंट विल्सन डिजीज़ में कॉपर का किसका नहीं होता है कॉपर का याद रहेगा कि कॉपर का अक्यूमलेशन हो जाता है बॉडी के अंदर कॉपर का अक्यूमलेशन हो जाता है दिस इज दिस इज द ऑटोसोमल डिसऑर्डर दिस इज द ऑटोसोमल डिसऑर्डर बहुत अच्छे नेक्स्ट चलते एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका वही है जो हमने बुलाया अभी कि एक पर्सन के अंदर मोस्ट कॉमन तेरह नंबर के क्रोमोसोम जिसको कौन सी डिजीज प्रोड्यूस करता है विल्सन डिजीज विल्सन डिजीज का मतलब होता है कि अक्यूमलेशन ऑफ कॉपर कॉपर का अक्यूमलेशन होता है इन हिपेटोसाइड्स लीवर की सेल्स से, हैं लीवर की सेल के ऊपर कॉपर का अक्यूमलेशन हो जाता है कौन सी डिजीज यस yes, कौन सी डिजीज विल्सन डिजीज विल्सन डिजीज।, डिजीज के अंदर म्यूटेशन होता है म्यूटेशन होता है किस कौन से जीन का म्यूटेशन होता है क्रोमोसोम 13 का यस स्टूडेंट क्रोमोसोम 13 के म्यूटेशन के कारण कंडीशन आती है विल्सन डिजीज विल्सन डिजीज में आपको आईज में भी देखने को मिलता है आई में भी क्या होता है एक वाइट एक रिंग बन जाती है क्या बन जाती है कलर, अलग कलर की रिंग बन जाती है आंखों के अंदर ठीक है वो भी किसके कारण होती है विल्सन डिजीज के कारण ही देखने को मिलती है ठीक है आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आपको एग्जाम के अंदर ये एमसीक्यू सी क्यू परसेंट देखने को मिलेगा बस रट लो इसको रट लो और समझ के रटना है स्टूडेंट देखो क्या है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर विल्सन डिजीज विल्सन डिजीज का इन्वेस्टिगेशन क्या होता है विल्सन डिजीज का इन्वेस्टिगेशन क्या होता है स्टूडेंट यस yes, पहला है बायोप्सी पहला है बायोप्सी सेकेंड है इंक्रीज यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन बॉडी से यूरिन के द्वारा बहुत ज़्यादा कॉपर बाहर आ रहा है इसको चेक करके यस डिक्रीज सीरम कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन प्रोटीन है वो कॉपर को बाइंड नहीं कर रही है कम हो गई इसके अलावा ओलोप दबो इसके अलावा ओलोप दबो यहाँ पे आपने चॉइस पूछा है इन्वेस्टिगेशन की चॉइस पूछी है तो ये चॉइस नहीं है ये चॉइस नहीं, नहीं है सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं चॉइस नहीं है चॉइस क्या है यस yes, कॉपर कॉपर का जब अब क्रिएट करता है तो उसको बोलते हैं हम बायोप्सी बायोप्सी होती क्या है स्टूडेंट आपको है कि लिविंग टिश्यू की स्टडी करना ही क्या होती है लिविंग टिश्यू की स्टडी करना ही बायोप्सी होती है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कॉपर है वो हिपेटोसाइड सेल पे डिपॉजिट हो रहा है कॉपर है ये आपका लीवर है स्टूडेंट इस लीवर के ऊपर जो सेल्स होती हैं उनमें क्या डिपोजिट हो गया कॉपर अब हम क्या करेंगे एक नीडल इंसर्ट करेंगे बायोप्सी नीडल इंसर्ट करेंगे और बायोप्सी नीडल इंसर्ट करके यहां से टिश्यू लेकर उसकी स्टडी करेंगे कि यहां पे कॉपर डिपॉजिट है या नहीं ठीक है तो इस प्रकार की कंडीशन से पहले मैनेज इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो बायोप्सी के द्वारा किया जाता है यस ओके बहुत अच्छा है इसके अंदर देखो हमने बायोप्सी को मोस्ट इन्वेस्टिगेशन चॉइस मारा है कि दिस द डेफिनेटिव एंड गोल्डन स्टैंडर्ड गोल्डन स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ लीवर बायोसी ऑफ लीवर बायोसी बात क्या था कि लिवर की सेल्स के सेल्स पे टिश्यू की स्टडी करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं मोस्टली लीवर बायोलब हमने ये भी पढ़ा था कि लीवर बायोप्सी के अंदर लीवर बायोप्सी करने के बाद में कौन सी पोजीशन देते हैं स्टूडेंट राइट साइड लाइन पोजिशन देते हैं कौन सी पोजीशन राइट साइड लाइन पोजिशन right देते हैं देते हैं राइट साइड लाइन पोजिशन दगे बॉडी वाला जो पार्ट जिस जिसपे आपने इंसिजन बनाया है वो कंप्रेस हो जाएगा और वहां से ब्लीडिंग के चांस कम हो जाते हैं इसलिए कौन सी पोजिशन देते हैं राइट साइड लाइन पोजिशन देते हैं लीवर बायोप्सी करने के बाद में करने के बाद में यस yes? नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर डिपोजिट इन द फ्रंट सरफेस ऑफ आई आई की जो सामने वाली सरफेस है इस पर कौन डिपॉजिट हो गया कॉपर डिपोजिट हो गया कॉपर डिपॉजिट हो गया तो कॉर्निया वाला भाई सामने वाला पार्ट कौन सा है कॉर्निया इस कौर जैसे ये हमारी आई है ये हमारी आई है इसके सेंटर में कौरनिया है यस कौरिया की चारों तरफ एक रिंग बन जाती है कॉर्निया की चारों तरफ क्या हो जाती है एक इस प्रकार की रिंग बन जाती है इस प्रकार की रिंग बन जाती है और वो रिंग कैसी होती है ग्राउंड ग्रीन टू ब्राउन रिंग होती है ग्रीन से ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है हमारी आंखों के चारों तरफ किस कंडीशन में विल्सन डिजीज के अंदर कॉपर की बनती है ये कॉपर की बनती है कौन सी रिंग बोलते हैं इसको यस कैशर फ्लेशर्स रिंग कैशर फ्लेशर्स रिंग कैशर रिंग्स होती है याद रखना है कि ये रिंग कहाँ बनती है स्टूडेंट हम बोलते हैं हमारी आंखों के जो फ्रंट वाले पार्ट कोर्निया उसके चारों तरफ बनती है ग्रीन ब्राउन कलर की रिंग बनती है यस yes? नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में मिलेंगे आपको ध्यान से देखना स्टूडेंट एक चाइल्ड है ए चाइल्ड विद द नेफ्रोसिस नेफ्रोसिस का मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम नेफ्रोसिस का मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बच्चे की क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम है गेट ओल्डर ए चाइल्ड विथ ए नेफ्रोसिस गेट ओल्डर एंड हैज रिपीटेड अटैक एंड हैज रिपीटेड अटैक इट इज टेंट फॉर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर नर्स टू हेल्प द चाइल्ड डेवलप मोस्ट इंपोर्टेंट द नर्स टू हेल्प द चाइल्ड इज डेवलप्ड ठीक है एक पर्सन है क्वेश्चन समझने की कोशिश करना स्टूडेंट पर्सन के नेप्रोटिक सिंड्रोम हो गया वो नेप्रोटिक सिंड्रोम है वो बार बार अटैक हो रहे हैं उसके मतलब क्या हो रहा है कि हैज रिपीटेड अटैक मतलब कुछ टाइम के लिए हो गया कुछ टाइम के लिए रुक गया सही हो गया फिर हो गया रुक गया सही हो गया ऐसी कुछ कंडीशन चलती रहती हैं यस अब देखो आपको पता है नेप्रोटिक सिंड्रोम में हमने देखा था कि नेप्रोटिक सिंड्रोम से बॉडी से यूर यूरिन के द्वारा प्रोटीन लोस होती जाती है यूरोन से अब देखो क्या होता है प्रोटीनिमिया प्रोटीनिमिया की कंडीशन नहीं रहती है ये प्रोटीन यूरिया की कंडीशन आ जाती है स्टूडेंट प्रोटीन यूरिया मतलब के क्या होती है बॉडी से प्रोटीन नेगेटिव चार्ज होता है का क्या चार्ज होता है नेगेटिव एल्बोमिन का चार्ज कैसा होता है स्टूडेंट पॉजिटिव होता है पॉजिटिव होता है नेगेटिव नेगेटिव होता, होता, होता है अब देखो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज दूर की तरफ जाते हैं तो कभी भी एल्बुमिन है वो बॉडी से वेस्ट नहीं होती है वेस्ट नहीं होती है यूटिलाइज होती रहती है कभी भी आपको वेस्ट के अंदर नहीं देख ये जो कंप्लीट हो जाता है अब देखो क्या होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन खत्म हो गई पहली बार एल्बुमिन किधर चला जाएगा यूरिन में चला जाएगा कौन सी कंडीशन प्रोटीन यूरिया प्रोटीन यूरिया ब्लड ब्लड में क्या हो गया हाइपो हाइपो एल्बू मतलब ब्लड में एल्बुमिन की कमी हो गई ठीक है अब देखो एल्बु एल्बुमिन क्या एक वाइटल प्रोटीन है जो ओनकोटिक प्रेशर बनाती है ओनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है लीवर से बनती है और ओनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है अब वह क्या

द एबिलिटी टू द एबिलिटी टू टेस्ट द यूरन द एबिलिटी टू टेस्ट द यूरिन यूरिन के टेस्ट करने की एबिलिटी को डेवलप करती है कि आप टेस्ट को बार बार चेक करते रहोगी यूरिन है उसके अंदर प्रोटीन है ये मतलब बचा नहीं करता है ठीक है नेक्स्ट वन है फाइन मस्कुलरार्डिनेशन फाइन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन मस्कुलर कोर्डिनेशन तो ऐसे देखने को मिल जाएंगे तो ये भी कंडीशन डेवलप नहीं हो करती है इसके अलावा जाओ अक्सेप्टेंस ऑफ पॉसिबल

Is called as syndrome. क्या बोलते हैं syndrome syndrome बोलते हैं हैं। इसको? बोला जाता है को किडनी डिजीज इन विच प्रोटीन लॉस इज टू एक्सटेंसिव द एडिमा बॉडी से क्या हो रही है प्रोटीन लॉस हो रही है और प्रोटीन लॉस हो रही है तो पर्सन के ऑनकोटिक प्रेशर कम ऑनकोटिक प्रेशर कम एडिमा आएगी क्या आएगी एडिमा आएगी एंड हाइपोप्रोटीनिमिया ब्लड में प्रोटीन की कमी होने वाली है प्रोटीन की कमी होने वाली है एंड प्रोड्यूस प्रोड्यूस होती है क्या एक वाली कंडीशन प्रोड्यूस होगी ओके आगे चलो क्यूशन इज स्टेटिंग स्टेटिंग दैट ए चाइल्ड विथ नेफ्रोसिस चाइल्ड किसे सफर है नेफ्रोसिस गेट ओल्डर सो इम्पोर्टेंट इश्यू टू एड्रेस फॉर नर्स टू पॉजिटिव बॉडी इमेज बाई बॉडी के अंदर एडिमा आ रही है तो यहाँ पर नर्स क्या डेवलप करने वाली पॉजिटिव बॉडी इमेज की आपकी बॉडी है वो बहुत ही ब्यूटिफुल है इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि आप इसके प्रति नेगेटिव थिंग्स लेके आए हमेशा नर्स क्या करती है पॉजिटिव करती है पर्सन को पेशेंट को यस तो मोस्ट कॉमन थिंग्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्कूल नर्स स्कूल हेल्थ नर्स है द स्कूल हेल्थ नर्स सस्पेक्टेड ए चाइल्ड फॉर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नेफ्राइटिस पर्सन की क्या हो रहे है वाला है एक एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब का मतलब गोमेरुल पार्ट है और नेफ्राइटिस मतलब एक पर्सन के जो नेफ्रोन है उसके अंदर नॉर्मल्टी क्रिएट करवाए तो ग्लोमेरुलस और पार्ट ग्लोमेर की कंडीशन आने वाली है और वो भी कौन सी है स्टूडेंट एक्यूट वाली कौन सी है, वाली है। Which of the following data, ऐसे कौन से डाटा कलेक्ट करेगी नर्स स्कूल वुड द मोस्ट रिलेटेड टू दिस कंडीशन या इस टाइप के डिसऑर्डर से रिलेटेड होती एक स्कूल हेल्थ नर्स है वो स्टूडेंट जो जितने भी स्कूल के स्टूडेंट है उनके सबके डाटा कलेक्ट करती है ठीक है डाटा कलेक्ट किससे रिलेटेड करती है एक्यूट ग्लोमेरो की कंडीशन तो एक्यूरेट ऐसे डाटा बताओ जो इस कंडीशन से रिलेटेड है इस कंडीशन से रिलेटेड है आ जाओ ऑप्शन पे आ जाओ हैड प्रोट हैड न्यूमोनिया ए मंथ एगो एक मंथ पहले न्यूमोनिया हुआ वा वाले बच्चों के क्या हो सकता है बोले नेप्रोटिक सिंड्रोम हो सकता नहीं हो सकता काट दो आगे चलो वाज बिटन बाय ए

मकड़ी के काटने से भी क्या हो सकता है एक्यूट ग्लोमेर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वाज बीटन बाई ए ब्राउन स्पाइडर नहीं होगा ब्राउन स्पाइडर काटने से ग्लोमेप्राइटिस नहीं हो ये लेटर कंडीशन बहुत माइनर कंडीशन होती है आगे चलो इज रिकवरिंग फ्रॉम गेस्ट्रो इज रिकवरिंग बाई रिकवर हो रहा है तो कोई दिक्कत ही ना है ग्लोमेप्राइटिस तो बात ही अलग होती है ग्लोमेटिस तो कंडीशन ही अलग होती है और वो भी रिकवर हो रही है कट कर दो रिकवर नहीं हो रही रिकवर में आपको ये कंडीशन नहीं देखने मिलती लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ए स्ट्रेप्टोकोकल वीक एगो दो सप्ताह पहले स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन हुआ था स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन क्या करता है स्टूडेंट एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिस परसन के जिस पर्सन के दो सप्ताह पहले एक्यूट कंडीशन आने वाली है कौन सी ग्लोबल का यहां पर प्रिडिक्शन क्या है स्ट्रेप्टोकोकल इंफेक्शन स्ट्रिप्टोकोकल इंफेक्शन के कारण होती है के कारण होती है स्टूडेंट यसो एक्सप्लेनेशन देखो मोस्ट कॉमन ये दो वीक से पहले दो वीक तक आ, की कंडीशन जिसके अंदर पर्सन किसी स्ट्रेप्टोकोकस आ जाओ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यस एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आल्सो नोन एज एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम भी बोलते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम भी बोला जाता है स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली अकर टू टू थ्री वीक्स टू टू थ्री वीक्स ऑफ इंफेक्शन टू टू थ्री वीक्स ऑफ इंफेक्शन एक पर्सन के स्टेपोकस का दो से तीन वीक पहले इन्फेक्शन हुआ था बॉडी में इन्फेक्शन हुआ था स्पेशलीटरीपिटरी इंफेक्शन हुआ, हुआ था अपर रेस्परेटरी ट्रिक्ट में हुआ था स्ट्रेन कोज बाई ए पर्टिकुलर स्ट्रेन स्ट्रेन का नाम पता चल रहा है आपको देखो दिस वन इज द स्टेप्टोकोकाई स्ट्रेप्टोकोका जिसमें है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिकस ठीक है हिमोलाइटिकस तो ये एक स्पेशल बैक्टीरिया का नाम है जीबीएस बोला जाता है इसको ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस ये वर्ल्ड के अंदर मोस्ट कॉमन शिफ्स इसका भी कारण होता है स्टूडेंट अब यहां पे इससे रिलेटेड हमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले हैं देखो जो ये ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्टेटोकोकस का जो बैक्टीरिया होता है ये एक्यूट ग्लोम करता है आपको पता है ठीक है इसके अलावा यही बैक्टीरिया रूमेटिक फीवर करता है स्टूडेंट क्या करता है रूमेटिक फीवर भी इसी के कारण होती है रूमेटिक फीवर का भी कारण यही होता है स्कारलेट फीवर स्कारलेट फीवर भी इसी के कारण होती है यानी स्कारलेट फीवर में बॉडी पेयर कुछ सेंड पेपर लाए के रेशे आते हैं जिसको बोलते हैं स्कारलेट फीवर तो स्कारलेट फीवर का कारण क्या बोलेंगे जीबीएस। रूमेटिक फीवर का कारण क्या बोलेंगे जीबीएस। एक्यूट एस का कारण क्या बोलेंगे जीबीएस इसके अलावा पर्सनस के अंदर जो जीबीएस होता है जीबीएस सेप्सिस का भी कारण होता है वर्ल्ड वाइड जो सेप्सिस करता है वो भी किसके कारण होता है जीबीएस के कारण सेप्सिस और सेप्सिस का मतलब जनरल जनरलाइज इंफेक्शन होना बॉडी के अंदर ये वाली कंडीशन भी करता है यस? Yes? ओके okay, बहुत अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज हाइएस्ट प्रायोरिटी फॉर ए क्लाइंट हु हैज रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट आफ्टर नेफ्रेक्टोमी, नेफ्रेक्टोमी क्या किया है पर्सन के किडनी के पार्ट को रिमूव किया है किडनी के पार्ट को क्या किया है रिमूव किया है जैसे सपोज करो कोई पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव part कर दिया सर्जरी कर दिया है सर्जरी करने के बाद में पर्सन क्या आएगा हॉस्पिटल से हॉस्पिटल के जो आ, ओ टी है उससे फिर वार्ड के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है तो यहाँ पे हाइएस्ट प्रायोरिटी ऑफ ए क्लाइंट ऐसी नर्स कौन सी प्रायोरिटी फैस देगी जब पर्सन क्या कर दिया नेप्रोक्टोमी कर दिया नेप्रोक्टोमिक करने के बाद में हाइस्ट प्रायोरिटी क्या होगी आधव ऑप्शन बी अवरली यूरिन आउटपुट घंटे घंटे से क्या करना है यूरिन आउटपुट चेक करना है ओके सेकंड वन है टेम्परेचर चेक करना है ठीक है एबल टू टर्न साइड टू साइड टर्न करते रहना पर्सन को एबल टू सिप क्लियर लिक्विड सिप यानी पानी पिलाना है घुट घुट करके पानी पीते हैं उसको बोलते हैं ना सिप्स वाटर तो ऐसे पानी पिलाना सिर्फ तो पानी नहीं पिलाना अभी पानी नहीं पिलाना क्यों नहीं पिलाना पानी क्योंकि अभी नेफ्रकटोमी किया है किडनी के लिए किडनी के अंदर आपको पता है फिल्टर होने के लिए फ्लूड जाते हैं तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग के अंदर फ्लूड है वो यूज नहीं करवाएंगे डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग देंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बाद में भी दे सकते हैं एबल टू टर्न साइड टू साइड बाद में कर सकते हैं जब रिक्वायरमेंट हो एक्सरसाइज की टेम्परेचर नॉट इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर नॉट इम्पोर्टेंट बट आवरली यूरिन आउटपुट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आवरली यूरिन आउटपुट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्या किया है नेफ्रेक्टोमिक या नेफ्रोन को निकाल दिया है अब किडनी के अंदर जो फंक्शन होते हैं जो बची हुई किडनी के जो नेफ्रोन होते हैं या बची हुई पार्ट के अंदर उसमें आवरली यूरिन आउटपुट होना चाहिए नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपकी किडनी है वो क्या नहीं कर रही है प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर रही है तो मोस्ट कॉमन प्रायोरिटी क्या होने वाली है स्टूडेंट अवरली यूरिन आउटपुट चेक करना है दिमाग में बिठा लेनाटर यूरिन आउटपुट थर्टी टू फिफ्टी एम एल पर आवर जब नॉर्मल बात करते हैं पर्सन के अंदर तो नॉर्मल आवरली यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए वैसे थर्टी होता है मिनिमम थर्टी मैक्सिमम फिफ्टी होता है मिनिमम थर्टी मैक्सिमम थर्टी एम एल पर हावर होता है पर हावर होता है एक घंटे के अंदर इतना यूरिन आउटपुट आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा इससे कम हो जाएगा इसका मतलब आपकी किडनी कम काम कर रही है किडनी फंक्शन नहीं कर रही है ठीक है आफ्टर नेफ्रेक्टोमी टोमी नेफ्रॉन्स को निकालने के बाद में टू एंश्योर द एडिक्वेट रीनल फंक्शन एडिक्युएट इनल फंक्शन को चेक करना है, तो आवरली यूरिन आउटपुट चेक कराते यस। नेक्स्ट बात करते हैं इन रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन। कार्डियक कंप्रेशन। पर्सन के क्या करना है कार्डियक को कंप्रेस हार्ट को कंप्रेस करना है तो किसको कंप्रेस करोगे चेस्ट को करना है एंड आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देना भाई पे किसकी बात हो रही है सीपीआर की बात हो रही है स्टूडेंट किसकी बात हो रही है सीपीआर कार्डियो कार्डियो पल्मोनरी कार्डियोपलिटेशन कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सीटेशन में पर्सन के चेस्ट के कंप्रेशन चेस्ट के कंप्रेशन और किसके ब्रीथिंग ब्रीथिंग आर्टिफिशियल ब्रीथिंग करवाना ठीक है पर्सन के चेस्ट को कंप्रेस करवाना आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देनी है इसका रेशियो पूछा है इसका रेशियो पूछा है देखो चेस्ट कंप्रेशन है और ब्रीथिंग का रेशियो होता है वो हम रखते हैं थर्टी रेशियो टू कितना रखते हैं स्टूडेंट थर्टी रेशियो टू कब रखते हैं जब वन रेसिक्योर वन रेसिक्योर या फिर टू रेसिक्योर रेशोक्योर चाहे एक हो बचाने वाले चाहे एक हो चाहे दोनों हो अडल्ट के अंदर कितना होना है रेशियो थर्टी रेशियो टू होना है स्टूडेंट किसकी बात किया हमने अडल्ट की बात किया है ध्यान रखना अडल्ट में चाहे बचाने वाला एक हो चाहे बचाने वाले दोनों हो दोनों के अंदर ही क्या रखना है रेशियो सेम रखना है थर्टी रेशियो टू रखना है यदि यहाँ पे बात अडल्ट की नहीं हो किस किसकी हो इन्फेंट की हो इन्फेंट की हो या फिर चिल्ड्रन की हो इन्फेंट की हो या फिर चिल्ड्रन की हो तो फिर रेशियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यदि बचाने वाला एक है बचाने वाला एक है तो थर्टी रेशियो टू होगा बचाने वाले दो हैं तो रेशियो चेंज हो जाएगा फिफ्टीन रेशियो टू होगा ये आपको कन्फ्यूज नहीं करना है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है सॉरी नहीं होना है कंफ्यूज क्यों क्योंकि बचाने वाला एक होगा किस में इन्फेंट और चिल्ड्रन में तो रेशियो तीस रेशियो दो होगा बचाने वाले दो होंगे तो रेशियो पंद्रह रेशियो दो होगा और एडल्ट में चाहे एक हो चाहे दो हो दोनों में रेशियो कितना रखना है बार बार क्वेश्चन पूछते हैं बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि एक पर्सन एक वन रेसे है वो आपको बचा रहा है तो वहां पे रेशियो कितना रखने वाला है तीस रेशियो दो अब देखो वन रेशियो क्यू इसमें भी तीस इसमें भी तीस तो एक कब आता है तो सब में तीस होने वाला है ठीक है क्लियर ऑप्शन भी आ जाओ सिक्सटी सिक्स रेशियो सिक्स ये हमने कभी पढ़ा नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है तो राइट आंसर देखो बी है फिफ्टीन रेशियो टू कब होता है जब न्यू बोर्न की बात करते हैं और उसमें बचाने वाले दो होते हैं इन्फेंट या चिल्ड्रन की भी बात कर लेते हैं बचाने वाले दो होते हैं तब होता है ट्वेल्व रेशियो हम कभी पढ़ते नहीं हैं तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे यस yes, थर्टी टू देखो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा हमने कि एक एडल्ट के अंदर थर्टी रेशियो टू रखा जाता है चाहे वन हो चाहे मोर हो रेशिक्योर चाहे वन हो चाहे मोर हो रेशियो कितना होगा थर्टी रेशियो टू होगा बट चिल्ड्रन और इन्फेंट के अंदर थर्टी रेशियो टू कब होता है जब सिंगल रेसिक्योर होता है जब सिंगल रेसिक्योर होता है तब और यदि फिफ्टीन टू फिफ्टीन रेशियो टू होगा तो बचाने वाले भी दो होंगे ठीक है इतनी सी बात याद रखना है आपको बचाने वाले भी क्या होंगे दो होंगे और जब न्यू बोर्न की बात करें जब न्यू बोर्न की बात करें तो थ्री रेशियो वन होता है थ्री क्या होते हैं कंप्रेशन और वन ब्रीथिंग होती है यदि न्यूबोर्न की बात करें तो थ्री रेशियो वन होता है यस चलते आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये आपको बहुत ही आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा मिलने वाला है बहुत ज़्यादा मिलने वाला आ जाओ मेजर साइड इफेक्ट ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ऐसी ड्रग्स जो हमारी इम्यून पावर को कम करने वाली होती है ऐसी ड्रग्स जो इम्यूनिटी को कम करने वाली होती है जैसे डेक्शोमेताशोन बिटा इम्यूनो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स यूज करवाते हैं तो सप्रेसिव ड्रग्स का मेजर साइड इफेक्ट मेजर साइड इफेक्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग सारे मेजर साइड इफेक्ट होते हैं एक नहीं होता है

लेकिन इंक्रीज डब्ल्यू काउंट नहीं बढ़ती है इम्यूनिटी सप्रेस होती है डब्ल्यू नहीं हो बढ़ेगी नहीं डब्ल्यू कम होगी डब्ल्यू कम होगी तो ये आपका यहाँ पे एक्सेप्शन है एक्सेप्शन है एक्सेप्ट हो गया ये तो राइट आंसर होने वाला है सी स्टूडेंट याद रखना कि ये पर्सन के अंदर कम होने वाली डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी नहीं कब जब ड्रग देते हैं बहुत अच्छे नेक्स्ट करते हैं बात द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट ऑफ इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स इज ए इंक्रीज रिस्क ऑफ इंफेक्शन इंक्रीज रिस्क ऑफ इंफेक्शन मतलब जो पर्सनस इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेता है उसकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी इसका मतलब डब्ल्यू कम हो जाएगी पर डब्ल्यू क्या करती है एक तरह से इम्यूनिटी को या फिर हम बोलें कि एक तरह से फेगोसाइटोसिस का काम करने वाली होती है पर्सन्स में डब्ल्यू कम हो जाएंगी तो किसके चांस बढ़ जाएंगे इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे किसके चांस बढ़ जाएंगे इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में डब्ल्यूबीसी बढ़ेंगी नहीं कम होगी यह आपको याद रखना है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फर्स्ट साइन ऑफ डाइगोक्सिन टॉक्सिसिटी डाइगोक्सिन डिजिटालिस ड्रग्स है इसका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट आपको बहुत बार एम्स के अंदर आ गया क्वेश्चन कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का मोस्ट कॉमन अर्ली साइन क्या होता है मोस्टली जो डिजॉक्सिन होते हैं वो हार्ट की प्रॉब्लम्स में यूज करवाने वाले हैं है डिजिटेलिस्ट्रग्स होती हैं इनके साइड इफेक्ट की बात करते हैं फर्स्ट डिजीनेस नोजिया हैड एक अनोरक्सिया यस डिजीनेस नोजिया हैड एक चार आपके पास ऑप्शन है डिजिनेश फर्स्ट अर्ली शाइन में नहीं देखने को मिलेगा नोजिया होता है लेकिन लेटर होता है होता है लेकिन बाद में लेटर देखने को मिलता है पर्सन में हेड बहुत रेयरली होता है मोस्ट कॉमन इसका अर्ली होता है स्टूडेंट बहुत बार पूछ लिया एनोरक्सिया, एनोरक्सिया इज द मोस्ट कॉमन अर्ली साइन ऑफ डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी का मोस्ट अर्ली साइन होता है ठीक है और साइन देख लेते हैं हम और साइन देख लेते हैं बहुत अच्छा देखो एक्सप्लेनेशन के अंदर देखते हैं कि एक पर्सन के एक पर्सन के यस yes, एक पर्सन के डायगोक्सिन की टॉक्सिसिटी का मोस्ट अर्ली साइन क्या होता है साइन सिम्टम में देखो पहले होता है पर्सन के तो डिजिटेलिस्टी एक ही बात है स्टूडेंट डायगोक्सिन डिजिटलिस्टॉक्सिटी आ जाओ कंफ्यूजन होता है पर्सन के क्या होता है स्टूडेंट फ्यूजन होता है आके चलो इरेगुलर पल्स हो जाती है पल्स है वो इरेगुलर हो जाती है क्योंकि हार्ट के ऊपर अराइज कर रहा है ब्लड में अनोरक्सिया वेरी गुड अनोरक्सिया इज द मोस्ट कॉमन अर्ली शाइन ऑफ अर्ली शाइन ऑफ डाइगोक्सिन टॉक्सिटी इसके अलावा देखो नोजिया भी होता है भी होती है डायरिया भी होता है विजन चेंज भी आते हैं लेकिन ये लेटर में मिलेंगे आपको मोस्टली जो अर्ली होते हैं वो आपको अनोरक्ष मिलता है अनोरक्ष मिलता है इसलिए याद रखना कि डाइगोक्सिन की टॉक्सिडिकार्ली शाइन अनोरक्सिया यस yes! आगे चलो देखें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले स्टूडेंट बने रहिए देखो, द ब्लड अपियर द ब्लड अपियर एट द हब ऑफ नीडल हब ऑफ नीडल है उसका जो पीछे का पार्ट होता है needle के पीछे का पार्ट होता है वो हब होता है जैसे ये एक नीडल है इस नीडल का ये जो पार्ट होता है होता है इसके बाद में इस प्रकार से ये हब वाला पार्ट ये हब वाला पार्ट है आपने क्या किया है एक इंजेक्शन लगाया है इंजेक्शन कहाँ लगाया है इंजेक्शन आपने आई एम लगाया है भाई ब्लड मिला है कहाँ पे देखने को मिला स्टूडेंट हब निडल पे आपने लगाया और यहाँ पे ब्लड आ गया यहाँ पे क्या आ गया ब्लड आ गया अब देखो यहाँ पे ब्लड आएगा ऐसे यहाँ पे ब्लड दिखाई देगा तो आगे देखो वाइल्ड नर्स इज एस्पायरेटिंग एन इंट्रामार इंजेक्शन आईएम इंजेक्शन को जब हम लगाते हैं तो ऊपर की तरफ एस्पिरेट करते हैं ऊपर की तरफ खींचते हैं और चेक करते हैं कि ब्लड तो नहीं आ रहा है चेक करते हैं कि ब्लड तो नहीं आ रहा लेकिन आपने चेक किया और वहां पे आपको ब्लड दिख गया क्या दिख गया स्टूडेंट ब्लड दिख गया ओके okay, आगे चलो द नर्स इज एस्पायरेटिंग एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन द नर्स शुड द शुड क्या करेगी नर्स नर्स ने जब आई एम इंजेक्शन लगाया एस्पिरेट किया, नीडल के हब वाले पार्ट में आपको ब्लड दिख गया अब नर्स क्या करने वाली है उस इंजेक्शन को लगा देगी पहले द सिरिंज एंड प्रिपेयर ए एं न्यू इंजेक्शन उस नीडल, उस सिरिंज को निकाल देगी डिस्कार्ड कर देगी नया इंजेक्शन लेके आएगी फिर लगाएगी पहला ऑप्शन तो ये बोल रहा है दूसरे पे आ जाओ रिमूव द सिरिंज एंड अटैच ए न्यू नीडल ऊपर वाली सिरिंज क्या बोल रहा है कि रिमूव द सिरिंज सिरिंज को निकाल दो अटैच ए न्यू नीडल सिरिंज को निकाल के न्यू नीडल है वो अटैच करके फिर लगा दो ठीक है थर्ड वन है विड्रोवल द नीडल स्लाइडली थोड़ी नीडल को ऊपर की तरफ खींचो एंड इंजेक्ट द दल्यूशन फिर लगा दो आपने क्या किया 90 डिग्री पे आईएम लगाया और आपने एस्पिरेट किया ब्लड आ गया अब नर्स थर्ड वाला ऑप्शन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि आप थोड़ा ऊपर की तरफ और लो फिर पुश कर दो ठीक है फोर्थ वन क्या बोल रहा है इंटरप्शन इंटरप्शन द द प्रोसीजर एंड नोटिफाई नोटिफाइडिशियन इंटरप्ट मतलब प्रोसीजर को रोक दो और डॉक्टर को बोलने जाओ डॉक्टर को बोलने जाओ ये बातें डॉक्टर को बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे ठीक है इतनी ज्यादा भी इमरजेंसी वाली कंडीशन नहीं है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा ये वाला ऑप्शन नहीं होने वाला क्योंकि इमरजेंसी में करते हैं हम डॉक्टर को इन्फॉर्म द नीडल इंफॉर्म एंड इंजेक्ट द दोल्यूशन ये गलत है यह गलत है आपने गलत जगह इंजेक्शन लगा दिया तभी ब्लड आया है तभी ब्लड आया है और आपने ऐसा कुछ कर दिया तो कॉम्प्लिकेशन आएंगे बहुत ज्यादा नेक्स्ट वन है एंड अटैच ए न्यू नीडल सबको न्यू नीडल को अटैच नहीं करना है ठीक है आगे आ जाओ वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली बात है कि डिस्कार्ड सिरिंज उस पूरी सिरिंज को डिस्कार्ड कर दो प्रिपेयर ए न्यू इंजेक्शन बनाओ क्योंकि वहां पे ब्लड आया इसका मतलब गलत साइड पे इंजेक्शन लगा है तो उस इंजेक्शन पूरे को डिस्कार्ड कर देना नया इंजेक्शन लेके आएंगे ये आप नर्स है इसकी यहाँ पे मोस्ट कॉमन कंसर्न होगा जब हब में निडल ऑफ हब में ब्लड दिखा है क्लियर स्टूडेंट क्लियर ठीक है आगे चलते हैं देखो ऑप्शन है वेरी गुड आगे चलते हैं कि वे ने नर्स एडमिनिस्टर आईएम इंजेक्शन जब एक नर्स आई एम इंजेक्शन लगाती है ब्लड कहां पे दिख गया उसको हब साइड ऑफ निडल पे दिख गया डिस्कार्ड द सिरिंज बिकॉज़ बिकॉज़ निडल पेनिट्रेट द ब्लड वेसल्स वेसल्स ब्लड वेसल्स को पेनिट्रेट कर गई है क्या नीडल एंड इंक्रीज चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशन इसलिए सीरिंज को डिस्कार्ड कर दो नया इंजेक्शन बनाओ आगे चलते हैं ओके डायोरेटिक्स आर गिवन एट वाट टाइम क्वेश्चन पूछा गया भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन क्या है कि डायरेटिक्स डायुरेटिक्स का मतलब ऐसी ड्रग्स जो यूरिन आउटपुट को बढ़ाती है जो यूरिन आउटपुट को बढ़ाती है जैसे लासिक्स होता है जैसे लासिक्स है लासिक्स क्या है भाई डायुरेटिक्स है ठीक है लासिक्स को देना कब है डायुरेटिक्स आर गिवन एट व्हाट टाइम कौन से टाइम पे दी जाती है लासिक्स तो मॉर्निंग नोन इवनिंग नाइट देखो लासिक्स देते हैं यूरिन आउटपुट बढ़ेगा आप दोपहर को दोगे तो इवनिंग को दोगे नाइट को दोगे पहले नीचे से आ जाओ नाइट को तो देना नहीं है आप नाइट को डायरेटिक्स दोगे पर्सन नाइट को सो नहीं पाएगा बार बार टॉयलेट में जाएगा बार बार टॉयलेट में जाएगा नींद खराब हो जाएगी तो ऐसा काम ही नहीं करना है कि नाइट में आप डायरेटिक्स दोगे तो ये नहीं करना है इवनिंग के अंदर इवनिंग में भी वही बात है कि फिर वो नाइट टाइम में फिर है वो डिस्टर्ब होने वाला यहाँ पे और नून में भी तो बेस्ट यहाँ पे है वो हम देते हैं कब मॉर्निंग के अंदर देते हैं कि दिन के अंदर यून आउटपुट है वो एक तरह से है वो डेवलप कर सकता है इजीली टॉयलेट यूज कर सकता है तो यहां पे बेस्ट टाइम क्या होता है डायरेटिक देने का मॉर्निंग होता है स्टूडेंट देखो डायब्रेटिक्स मेनली यूज इन मॉर्निंग्स टाइम बिकॉज इजीली वर्डिंग इन डे टाइम यस इजीली वर्डिंग इन डे टाइम डे टाइम के अंदर इजीली कर लेता है तो नाइट के अंदर डिस्टरबेंस अराइज नहीं करती है इसलिए क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्ट मोस्टली कौन से टाइम दी जाती है तो बताएंगे कौन सा टाइम होगा मॉर्निंग वाला टाइम येस yes?